इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 2:33 तक रहेगी। आज रात 11:37 तक, 11:37 तक रात शुभ योग रहेगा। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आज दोपहर 3:56 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याईजैग योग की। तो आज ये योग नहीं बन पा रहा है। अब ये योग कल यानी कि 9 सितंबर की सुबह 5:44 से दोपहर 2:31 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन पा रहा है। अब ये योग 11 सितंबर की सूर्योदय से 11:28 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 9 सितंबर की सुबह 6:03 से शाम 5:26 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 सितंबर को दोपहर पहले 11:22 से दोपहर 2:41 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 9 सितंबर की सुबह 6:03 से सुबह 8:58 तक और दोपहर पहले 11:17 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:03 पर शुरू हो चुका है और अभी 9:02 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 1:40 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 9:02 तक और दोपहर पहले 11:21 से शाम 5:26 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 9:02 तक और फिर दोपहर पहले 11:21 से शाम 5:26 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 3:55 से शाम 5:26 तक और एक बार फिर शाम 6:53 से रात 11:49 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 9 सितंबर की रात 8:53 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष मिथुन तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:19 से दोपहर 1:53 तक। मुंबई दोपहर 12:36 से 2:09 तक। चंडीगढ़ 12:20 से 1:54 तक। लखनऊ 12:04 से 1:38 तक। भोपाल दोपहर 12:18 से 1:51 तक। कोलकाता
दोपहर पहले 11:34 से दोपहर 1:07 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:37 से दोपहर 2:10 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:06 से दोपहर 1:30 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आप मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। आपके व्यवहार से कुछ लोग आज काफी प्रभावित होंगे। लोगों से आपको शुभ काम में मदद मिलेगी। आपसी विश्वास के सहारे आपके संबंधों में मजबूती आएगी। आपकी कोई खास इच्छा जो काफी समय से अधूरी थी वो आज पूरी होगी। ऑफिस में अधिकारियों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। संतान संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे, लेकिन आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा। किसी के साथ बहसबाजी में न पड़े। अगर शादीशुदा है तो अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह की गलतफहमी न पालें। आज आप किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे। आय के स्रोतों में भी वृद्धि होने के योग हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों को आज कोई नया काम मिलेगा जिसे पूरा करने में आप सफल भी होंगे। तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप सभी कार्यों में बहुत हद तक सफल रहेंगे। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई खुशखबरी मिलेगी। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी बेहतर होगा। आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। कई दिनों से ऑफिस का पेंडिंग वर्क पूरा हो जाने से राहत महसूस करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को परीक्षा के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। पार्टनर से आपके संबंध मजबूत होंगे। किसी काम में लगाई गई आपकी मेहनत रंग लाएगी। करियर के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। ऑफिस में अधूरे पड़े कार्य आज पूरे हो जाएंगे। काम में सीनियर्स का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। अगर बिजनेस करते हैं तो आज धन लाभ होने की संभावना है। आज आपकी बातों को तरजीह मिलेगी। उन्हें ध्यान से सुनकर लोग उन पर अमल करेंगे। सेहत के मामले में भी आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज लोगों के बीच आपके काम की तारीफ होगी। वहीं आर्थिक लाभ पाने के लिए आज आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी नए कार्य को लेकर योजना बनाएंगे। आज वाहन चलाते समय आप थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। किसी मामले पर आपको बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम बरतना चाहिए। आज आप किसी काम में थोड़ा अधिक व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपके भाग्य का सितारा बुलंद होगा। आज आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आपका दिन शानदार रहेगा। अगर शादीशुदा है तो आज पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बने रहेंगे। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से सफल रहेगा। आज ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आज आपकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से हो सकती है। अगर व्यापारी हैं तो आज कोई विशेष सफलता हासिल होगी। आप कुछ लोगों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। शाम तक आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। लवमेट के साथ आपका दिन बेहतर गुजरेगा। आपकी बातों से कुछ लोग प्रभावित होंगे। सोचे हुए कार्यों की गति मजबूत होगी। आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। बिजनेस में कुछ बदलाव होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपको कुछ जरूरी कामों में दोस्तों की मदद मिलेगी। कई दिनों से अटका हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आया है। पहले से दी गई प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा तो वहीं दाम्पत्य संबंध भी मधुर बने रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। पारिवारिक काम को पूरा करने में सभी घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। कोई सहपाठी आपसे अपनी बात शेयर कर
मदद की उम्मीद कर सकता है और आप उसकी मदद के लिए तैयार होंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत के लिहाज से आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। लपेट घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। व्यवसाय में आपको फायदा होगा। ऑफिस के किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए किसी सहकर्मी की मदद मिलेगी और आपको कार्य में सफलता भी हासिल होगी। आज किसी से वाद विवाद न करें, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में सबके साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी नए प्रोजेक्ट के संबंध में मित्रों की सलाह फायदेमंद रहेगी। आर्थिक मामलों को लेकर कुछ लोग मददगार साबित होंगे। आज आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी नोकझोंक बनी रहेगी, लेकिन चिंता न करें, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आप जिस किसी भी काम को पूरा करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न होंगे, लेकिन आज आपका दिन गहन चिंतन में बीतेगा। आप किसी बात को लेकर विचारों में खोए रहेंगे। वहीं कुछ नए लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात फायदेमंद रहेगी। घर पर किसी पार्टी के आयोजन का प्लान बनाएंगे। छात्रों को शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो अपने इष्ट देव का स्मरण करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति होगी। मूलांक 2 को जरूरी काम संतान की मदद से पूरा होगा, जिससे आपको राहत मिलेगी। मूलांक 3, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, साथ ही आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। मूलांक 4, पैसों के मामले में लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। मूलांक 5, अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जिससे लोग आपसे खुश होंगे। मूलांक 6, आज का दिन अच्छा रहेगा, साथ ही सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मूलांक 7, व्यापारियों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आपके व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 8, परिवार में सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। मूलांक 9, शाम को बच्चों के साथ समय बिताएंगे, जिससे बच्चे आपसे खुश होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। घरेलू उपचार में और नाई की दुकान पर फिटकरी का उपयोग होते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इसके वास्तु उपाय के बारे में आपने नहीं सुना होगा। घर में ऐसी कई चीजें होती हैं जो घरेलू उपाय के साथ साथ वास्तु उपाय के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। अगर आपके घर या ऑफिस में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए आज ही 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे घर या ऑफिस के किसी कोने में रख दें। इससे विभिन्न वास्तु दोषों से होने वाली परेशानियों में कमी आएगी। खासतौर से उत्तर दिशा में रखने से विशेष फायदा होता है और सुख शांति के साथ धन संपदा में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर सोने से पहले काले कपड़े में फिटकरी बांधकर सिरहाने पर तकिए के नीचे रखेंगे तो बुरे सपने नहीं आते और अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा फिटकरी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु जरूर ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की विशेष बात। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 2:33 तक रहेगी। आज रात 11:33 तक शुभ योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आज दोपहर 3:56 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, लिहाजा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान
सूर्यदेव की उपासना करना लाभदायक होगा। इस दौरान सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी तीन चरण कन्या राशि में आते हैं, इसलिए सिंह और कन्या राशि से इस नक्षत्र का सीधा संबंध है। अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करें तो ये लोग दयालु, कोमल, अच्छे वक्ता, सही निर्णय लेने वाले और कुशाग्र बुद्धि होते हैं। ये अपनी विद्या के बल पर खूब धन का लाभ कमाने वाले होते हैं। साथ ही पाकड़ के पेड़ से भी इनका सीधा संबंध बताया गया है, यानी पेड़ पौधों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि सिंह या कन्या हो, मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बेसिक चीज़ है, उन्हें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान पाकड़ के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और पाकड़ के पेड़ से बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में नहीं लाना चाहिए और न ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले शुभ योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किए जाने वाले खास उपायों के बारे में, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान पाने में कामयाब होंगे। साथ ही ये उपाय करके अपने कार्यों की गति बढ़ाने में भी सफल रहेंगे। अगर आप अपने जीवन में सुख ही सुख देखना चाहते हैं तो आज आपको थोड़ा सा लाल चंदन घिसकर पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव के इस मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। आज इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करने से आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। अगर आप अपने परिवार को हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं, सबके बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको जल में कुछ दाने चावल के और थोड़ा सा दूध मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने परिवार में सबके बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और सबके बीच सामंजस्य बना रहेगा। अगर आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज श्री गणेश के सामने एक घी का और एक तेल का दीपक, दो दीपक जलाएं। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। साथ ही याद रहे, घी के दीपक में सफ़ेद खड़ी बत्ती लगाकर उसे श्री गणेश के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए और तिल के तेल के दीपक में पड़ी हुई लाल बत्ती लगाकर भगवान के बाएँ हाथ की तरफ रखना चाहिए। और दीपक जलाते समय आपकी जो भी इच्छा हो उसे मन ही मन कहना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। देखो, यहाँ जब दीपक की बात है तो थोड़ा सा एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। देखो, फायर हमारे यहाँ 5 एलिमेंट है ना, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये 5 तत्व हैं और इन्हीं 5 तत्वों से ये सब मायावी शरीर है, ये पार्थिव शरीर है। तो अब एक छोटा प्रश्न ये है कि हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि जब फायर की बात हो तो फायर हमेशा ऑड नंबर में होना चाहिए, यानी एकाष्टमे, त्रिष्टमे, पंचाष्टमे, सप्तष्टमे, नवमाष्टमे, एकादशमे, एकादशमे, यानी त्रयोदशमे, पंचदशमे, पंचदशमे, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब यहाँ हम आपसे क्या कह रहे हैं, एक घी का और एक तेल का दीपक जलाओ। देखो, डोंट गेट कन्फ्यूज। जब हम ऑड नंबर फायर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक ही आरती में एक ही एलिमेंट को जलाने के लिए ऑड नंबर ऑफ फायर होना चाहिए। यानी अगर आप तेल की बत्ती जला रहे हैं तो जितने दीपक जला रहे हैं वो ऑड नंबर में होने चाहिए। अगर घी के दीपक जला रहे हैं तो जो भी दीपक जला रहे हैं वो ऑड नंबर के होने चाहिए। अब इसके अलावा देखो, यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट करिए, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ये सब आपकी साधना में काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 24 अक्षर का कोई मंत्र आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 24 बत्तियाँ होनी चाहिए। अब ये तो ऑड नंबर नहीं है, ये तो इवन नंबर हो गया, लेकिन मंत्र के हिसाब से। तो अब हमने अपने गुरु महाराज को क्या करते देखा, वो हम आपको बता देते हैं। वो एक सूत लिया और उसको ऐसे 12 बार लपेट दिया और कैंची से काट दिया, अब 24 उसमें 24 सूत हो गए और उस बत्ती को डाल दिया उसमें, तो 24 बत्तियां हो गई। सूत्र एक ही है लेकिन उसमें एक ही बत्ती में 24 सूत्र हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये जो व्यावहारिक अनुभव, इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये ध्यान रहे
कि फायर जब एक ही एलिमेंट की होगी ऑड नंबर इज फर्स्ट चॉइस, लेकिन जब दो उद्देश्यों से दो अलग घी और तेल दो अलग अलग के जला रहे हैं तो वो भी तो ऑड नंबर है, एक घी का है एक तेल का है। आपको दो अग्नि दिख रही है लेकिन एक घी की और एक तेल की है, दोनों अलग अलग हो गई, दोनों ऑड नंबर हो गई। ऐसे ही जब मंत्रानुष्ठान कर रहे हैं तो जितने अक्षर का मंत्र है उतनी ही बत्तियां दीपक में होनी चाहिए। उसके लिए आपने धागा लिया, उसको लपेटा और काट लिया और उतनी बत्तियां हो गई उस धागे के अंदर, दीपक एक ही दिख रहा है उसके अंदर बत्तियां उतनी है। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो जब कभी भी हम ये बात कहते हैं कि एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाइए तो हमें याद आता है कि आपके मन में कहीं ये कन्फ्यूजन न क्रिएट हो कि ये तो बार बार कहते हैं कि जब भी जलाओ फायर ऑड नंबर में होनी चाहिए। बिल्कुल ऑड नंबर में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दो एलिमेंट हो गए, एक घी का हो गया और एक तेल का हो गया। अब आगे चलते हैं। तो अगर आप बुद्धि के साथ बल भी पाना चाहते हैं तो आज आपको श्री गणेश को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए, हल्दी की 5 गांठ अर्पित करनी चाहिए। साथ ही गणेश गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। गणेश गायत्री, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। आज के दिन ऐसा करने से आपको बुद्धि के साथ ही बल की भी प्राप्ति होगी। अगर आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां ढेर सी हैं लेकिन आर्थिक समस्या के कारण आपको कभी कभी लगता है कि अपने पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आज आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाइए और उसमें केले के टुकड़े डालकर आप उस प्रसाद को भगवान को अर्पित करें और उसके बाद बाकी प्रसाद को आसपास छोटे बच्चों में बांट दें। अगर घर में आपका भतीजा या भांजा हो तो प्रसाद उसे जरूर खिलाएं। आज ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आप अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे। अगर आप अपनी हंसती खेलती जिंदगी में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही सूर्यदेव के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। आज सूर्यदेव के इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपकी हंसती खेलती जिंदगी में हमेशा स्थिरता बनी रहेगी। अगर आप अपने बच्चों के जीवन में तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज सूर्यदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और गायत्री मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के सभी कार्यों को बिना किसी बाधा के सफल बनाना चाहते हैं तो आज एक बर्तन में पानी भरकर उसमें थोड़ी सी होली डालें और सूर्य भगवान को अर्पित करें और अर्पित करते समय भगवान सूर्य के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्यों के सभी कार्य, सभी सदस्यों के सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफल होंगे। अगर आप सबके साथ प्रेम भाव कायम रखना चाहते हैं तो आज के दिन सूर्यदेव के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से सबके साथ आपका प्रेम भाव कायम रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आज बुधवार को घर के ईशान कोण की अच्छे से साफ सफाई करके एक लकड़ी की चौकी या पाटा स्थापित करें, फिर एक कटोरी में चावल लेकर लकड़ी की चौकी या पाटे पर गणेश जी की आकृति बनाएं, फिर उस आकृति की धूप दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा करें और पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के बाद सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा रहने दें। शाम होने पर चावलों को उठाकर अपने पास एक पोटली में बांध कर रख लें और अगले दिन उस पोटली को अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दें और बाकी चीज़ों को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से आप बिजनेस में ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। अगर आप ऑफिस में अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सोने की या गोल्डन कलर की कोई चीज़ पहननी चाहिए और अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और सूर्यदेव के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जप करने से ऑफिस में आपका प्रभाव बना रहेगा। ये थी चर्चा आज शुभ योग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में और विभिन्न शुभ फलों के प्राप्ति के लिए आज आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। बता दूं कि कल हरतालिका तीज मनाई जाएगी। हरतालिका तीज व्रत अविवाहित कन्याओं द्वारा अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और विवाहित महिलाएं
इस व्रत को अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था, लिहाजा कल के दिन अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए और एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए आपको कैसे उपाय करने हैं इसकी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, अगर किसी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो आज वो पूरा हो जाएगा। B, ऑफिस में किसी काम में आ रही परेशानी दूर होगी जिससे आपकी टेंशन भी दूर होगी। C, लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर से आज कोई सरप्राइज मिलेगा। D, आज आपको किसी सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। E, आपके लिए आज का दिन बहुत ही खास रहेगा, कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। F, परिवार के बच्चे आपसे कुछ मांगेंगे, आप उन्हें निराश भी नहीं करेंगे। G, किसी काम में कोई भी जल्दबाजी न करें, नहीं तो आपका वो काम बिगड़ सकता है। H, अचानक आपको किसी काम से धन लाभ होगा, आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर बनेगा। I, वकीलों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके किसी केस में आपको सफलता प्राप्त होगी। J, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही है तो उससे आज आपको छुटकारा मिलेगा। K, आपके लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा, ये परिणाम आपके व्यवसाय से जुड़े होंगे। L, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो कोई अच्छा मुहूर्त पहले ही देख लीजिए। M, आज आप सटीक तर्क से हर किसी को अपनी बातों से सहमत कर सकते हैं। N, जो लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। O, किसी बात को लेकर किसी से आप कोई समझौता करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। P, छात्रों को आज सफलता का कोई नया रास्ता दिखेगा जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। Q, शारीरिक दृष्टि से आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा, साथ ही तनाव मुक्ति भी मिलेगी। R, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आज कोई रोजगार पाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। S, बिजी होने के बावजूद आज का दिन अच्छे से बीतेगा और पैसों के लिहाज से भी फायदा होगा। T, संतान पक्ष से आपको खुशियाँ मिलेंगी, साथ ही संतान की तरफ से कुछ गिफ्ट भी मिलेगा। U, दोस्तों से मुलाकात होगी और आपके ग्रुप में कोई नया दोस्त बनेगा। V, अपने स्वभाव को पूरी तरह से बेहतरीन रखें जिससे लोग आपसे खुश होंगे। W, परिवार में चल रहे विवाद आज समाप्त हो जाएंगे, सभी लोग हंसी खुशी रहेंगे। X, आज का दिन फेवरेबल रहेगा, अधिकतर कामों के लिए आप खुद को तैयार पाएंगे। Y, आपके करीबी लोगों के जरिए आज आमदनी के कई नए स्रोत आपको मिलेंगे। Z, जीवन साथी से निकटता आज आपको खुशी देगी, साथ ही किसी काम में सहयोग भी मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर की, और शिवपुरी शहर में स्थित पोहरी किले में गणेश भगवान का एक 200 वर्ष पुराना मंदिर है जिसे पोहरी गणेश ही कहा जाता है। इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है, यहाँ स्थापित गणेश जी को इच्छा पूर्ति गणेश कहा जाता है। लोगों का मानना है यहाँ गणेश जी के आगे एक नारियल रख देने से मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। लोग दूर दूर से यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर गणपति के पास आते हैं। तो आप भी कीजिए इस दिव्य पोहरी गणेश मंदिर के दर्शन। अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में छोटे बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज रात 2:33 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 12:18 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। अतः आज रात 2:33 तक आपको छोटे बैगन का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 12:18 तक आपको परवल की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत
रिंग 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 फट फट ठा ठा एही एही रुद्र आज्ञा पे थी स्वा। और अब वक्त है आज की टिप और दीजिए का। आज कुत्ते को रोटी दीजिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।